नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी भारत। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। होचका प्रखंड अंतर्गत जुड़ी पंचायत के गांव हाई एक हकाई में प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक जयराम मांझी के सेवानिवृत्त होने पर विद्यालय परिसर में सेवानिवृत्ति सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड प्रथम प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव निखिल मंडल तथा पोटका वन एवं टू के बीईओ अनिल कुमार वर्मा एवं विनय कुमार दुबे उपस्थित रहे। इस दौरान अतिथियों का पारंपरिक रीति रिवाज के साथ स्वागत किया गया। साथ ही साथ मुख्य अतिथि निखिल मंडल, पूर्व मुखिया उपेन्द्र सरदार, पूर्व मुखिया सावित्री सरदार, जयराम मांझी आदि के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर पूरे गांव के सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण लोग एवं स्कूल के बच्चे उपस्थित रहे। हकाई विद्यालय से ही मैट्रिक परीक्षा में टॉपर रहे तथा हकाई विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा वर्षों से सही तरीके से विद्यालय का संचालन करने को लेकर इस कार्यक्रम में सभी को अंगवस्त्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में अपना मंतव्य रखते हुए झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव निखिल मंडल ने कहा कि ये एक परंपरा है जो कि सभी सरकारी नौकरी में आते हैं, उनका एक दिन सेवानिवृत्त आवश्यक होता है, मगर अब जयराम मांझी सरकारी बंधन से मुक्त हो गए। अब हमारे संघ में हाथ बटाएंगे जिससे संघ को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक अनुष्ठान किया गया। जमशेदपुर से अभिजीत सेन की रिपोर्ट। ये एक सरकारी नियम के तहत एक निश्चित समय अवधि, निश्चित उम्र सीमा में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी होना पड़ता है। उसी के क्रम में हमारा जयराम मांझी जी का आज 60 ईयर्स पूरा हुआ और आज इनका सेवानिवृत्ति का दिन है। इसलिए सेवानिवृत्ति के बाद हम लोग को तो लग रहा है कि हमारा संगठन का एक बहुत तो देखिए मेरा लाइफ में जो भी हम शिक्षा में बहाली हो गए, सबसे पहले मेरे चाकूला प्रखंड बरानोटा में हुए थे, तो वहाँ में शिक्षा के इतना मैंने गांव में पिछड़ा था, हम जाकर के इतना सुधारे, बाल बच्चा सब को एक बार लेके आया स्कूल, जागृत किया अभिभावक और ऐसे करते एक बार वहाँ पे। उसके बाद अभी भी नाम आए वहाँ पर, अभी उधर 2001 में ट्रांसफर करके हम लोग आ गए हैं। यहाँ भी एक बड़े पिछड़ा गांव मिला हमको, यहाँ भी इतना शिक्षित नहीं था, उसके बाद गांव घर हर घर में दौरा करके शिक्षा के प्रति सबको जागृत किया। इसी में एक बड़े माहौल बनाया और इसी का उपलब्धि है कि स्कूल देखिए इतना मतलब एसएमसी की सहायता से ही मैंने हम लोग प्रयास किए, थोड़ा होना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम लोग को स्कूल में ये जो ऑनलाइन ये विभाग वाला जो है काम, वो एनी टाइम बिजी रहते हैं, बच्चा सबको सही समय पर शिक्षा दे नहीं पा रहा। इसके लिए कम से कम हर स्कूल में एक क्लार्क देना चाहिए, जो भी मतलब रिपोर्ट वगैरह बनाने के लिए उसको अलग से होना चाहिए। उसी से मतलब मेरा सुझाव है कि एक तो मैंने हर स्कूल में एक तो क्लार्क होना चाहिए। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।